चॉकलेट के अंदर मिर्ची कौन डालता है? बकवास लगी कि नंबर बताने की खाता क्या है, खाता मिठा जा। बैठा यार विच टन 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 तारा, ट्रैफिक हो गया बहुत सारा, गाड़ी चलती चिपक चिपक के, दिल घबराए मेरा बेचारा। हाँ जी, अगर हम ऑफिस क्लोजिंग टाइम पे निकलेंगे ना तो दिल्ली के अंदर इतना गंदा वाला ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, और हमें ट्रैफिक मिल रहा है बहुत ज्यादा जबरदस्त वाला। पैर मेरे दुख रहे हैं क्योंकि क्लच से पैर हट ही नहीं रहा, जैसे ही हटता है ना मेरे को लगता है हाँ गाड़ी चल पड़ी, वहीं ब्रेक लगानी पड़ जाती है। और ये देखो गाड़ियाँ कैसे चिपक चिपक के चल रही है, चिपक चिपक के। और यहाँ मैडम सो रही है देखो मुँह खोल के। अब इस ट्रैफिक के अंदर ना एक पंगा पता क्या है कि तीन चार गाड़ियों पीछे एक एम्बुलेंस आ रही है जो काफ़ी देर से ना सायरन कर रही है, बट यहाँ पे गाड़ी ना मेरी राइट हो सकती है ना मेरी लेफ्ट हो सकती है, ये नहीं है कि मैंने फंसाया हुआ उस एम्बुलेंस को, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीन चार गाड़ियाँ पीछे एम्बुलेंस है बट एम्बुलेंस रास्ता मांग रही है। वैसे मैं अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी गाड़ी को ना मैं लेफ्ट साइड पर टर्न कर लेता हूँ, वैसे मैं अपनी तरफ से ट्राई कर रहा हूँ कि एम्बुलेंस का मैं तो रास्ता एटलीस्ट क्लियर कर ही दूँ। आप ये देख सकते हो कि मैं इस साइड से इस साइड पर आ गया हूँ, लेफ्ट साइड पर आ गया हूँ, बीच में मैंने जगह छोड़ दी है सो देट कि एटलीस्ट मैं उसके रास्ते से हट जाऊँ। बाकी अब पीछे जो ट्रैफिक है ना वो ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग अपनी गाड़ी कैसे चलाएंगे। मैं हट गया हूँ भाई, आप देख सकते हो, ये देखो गाइज आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी तरफ से रास्ता खाली कर दिया था और भी लोगों ने ट्राई किया, तो एम्बुलेंस एटलीस्ट पीछे से मेरे यहाँ से क्रॉस करके आगे जा चुकी है, तो मैंने अपना फर्ज अदा किया कि एम्बुलेंस को रास्ता दे दी है। एंड अगर आपके भी टाइम पर कभी ऐसा होना तो प्लीज़ ट्राई करना, चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो, जैसे मैंने ट्राई किया तो एम्बुलेंस को रास्ता मिल गया, उसी तरीके से आप लोग भी ट्राई करना कि एम्बुलेंस को रास्ता देना बहुत ज़्यादा वाला ज़रूरी है, भले जितना मर्जी ट्रैफिक हो बट ट्राई किया करो, ट्राई करने से काम बन जाता है। मैं हाँ जी मार्केट में से निकल रहा था तो मेरी नजर पड़ी डेरी मिल्क की इस चॉकलेट के ऊपर। भैया चॉकलेट के अंदर मिर्ची कौन डालता है? मिर्ची हैप्पी देख रहा, मिर्ची वाली खट्टी मिर्ची, हाँ मिर्च वाली खट्टी मिट्टी चॉकलेट है ये, कभी खाई है आपने ये वाली चॉकलेट? नहीं नहीं। पहली बोली जा, तू बकवास है, बिल्कुल बकवास नहीं है यार, बिल्कुल बकवास नहीं, मीठी और तीखी, मीठी और तीखी है। ये लोग क्या बोलते हैं, इनका रिएक्शन नोट करते हैं। मिर्ची वाली चॉकलेट, दो मिनट के बाद बताइयो, आप भी उठाओ एक पीट उठाओ जल्दी से। मधु रह गई, मधु कह रही है मेरे को नहीं पूछा अभी तक, मतलब खट्टे नहीं है ये तीखी है, ये खट्टा नहीं है ये तीखी है। कैसा फील हुआ, लग रही है चुभ रही है? आपको पता लगा? भाई तेरे को कहां से पता लगेगा, तू तो मोमोज की चटनी ऐसी खा जाती है, ये तो वो लड़की है जो पूरी पूरी कटोरी खा जाती है मोमोज की चटनी की। अपने साथ ना पंगा हो जाता है, पंगा क्या होता है कि मैंने इन लोगों को चॉकलेट खिलाई, मैंने कहा चलो इनका रिएक्शन नोट करूंगा, बट बीच में कस्टमर आ गए तो वही हमारी वीडियो रुक गई और इनके रिएक्शन रुक गए उस टाइम के, तो मैंने कहा एक बार हम दोबारा से कैमरा ऑन करके पूछ लेते हैं कि भैया कैसी लगी है चॉकलेट, बता दीजिए सही से बताओ, सच्चाई बोलो, सच्चाई बनाते हैं चॉकलेट और मोमोज तभी तो बनते हैं। ये तो भैया खतरनाक है बहुत ज्यादा वाली, ठीक है वीडियो से लगता है चूरन बीच में मिक्स कर दिया उसके, चूरन मिक्स कर दिया, खट्टा मीठा मतलब दोनों टेस्ट आ रहे हैं उसके। आपको कैसी लगी जल्दी बताओ? कुछ नहीं, मिर्च का तो हल्का सा पता लगा है, वैसे लग रहा था खट्टा खट्टा सा लग रहा था, अदरवाइज वो ज्यादा खास नहीं थी, इतनी मिर्ची तो हमारी लाइफ में भी है कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। पर चॉकलेट के अंदर मिर्ची कौन डालता है? इन्होंने फ्लेवर डालना होगा चॉकलेट, वो एमडीएस का मसाला डाल दिया, इन्होंने मिर्ची भी डाल दी। क्या नाम है चॉकलेट का? डेरी मिल्क की थी, बिल्कुल यही उसी के लिए। तेरे को कैसी लगी? खतरनाक है, बट हम ना इनको बहुत जल्दी जोलो चिप्स खिलाएंगे, वो हमें भी खाना है, खाने है ना, आज हम उसको ऑनलाइन पे ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं, फिर इसको वो खिलाते हैं, चार पांच डब्बे खिलाऊंगा। बकवास लगी कि नंबर बताने की खाता क्या है, खाता मिठा जा। एक्चुअली क्या हुआ मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, अभी ना यहाँ से फॉर्च्यूनर निकल रही थी तो मेरे को कह रहा है कि भाई फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लेते हैं, मैंने कहा यार क्या कर रहा है, मैंने नहीं कहा, इतना पैसा वेस्ट नहीं करना हमने, पहले तूने मेरे को बोला कि नहीं बोला ये ले लो, उसके बाद बताएंगे आपको, पहले इसने बोला कि ना फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लो,
मैंने कहा क्या करना है, 35-40 लाख रुपए वेस्ट करके हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास अगर इतने पैसे होंगे ना मैं कोई फ्लोर ले लूंगा, नहीं फिर मैंने कहा रेंट पे चढ़ा दूंगा। फिर ये मेरी बात सुन के बोलता है, फिर मेरी बात सुन के अपने आप ही बोली, बोले मेरी बात सुनो, एक फ्लोर लो उसको किराए पे चढ़ाओ, ठीक है, उसका किराया आएगा, उसको जमा करके एक और फ्लोर ले लो, एक और फ्लोर ले, ठीक है, तो मैं खर्चू नहीं, फिर मैं बूढ़ा होकर मर जाऊंगा, मैं तब तक मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, नहीं पैसे फिर नहीं रह जाएंगे, फिर फायदा क्या उनका जोड़ने का, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, हां काम से काम करना है, काम से काम करना है, मैं खाऊंगा क्या, रोटी हवा पानी गुरुद्वारे जाकर, मतलब ऐसे ही कह रहे हैं, मतलब गुरुद्वारे जाकर, एनएनएम को सही है, गुरुद्वारे जाकर, मतलब मैं सिर्फ दाल रोटी खाऊंगा और उसके बाद मर जाऊं, अगर थोड़े थोड़े जोड़ूंगा तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा घर लेने में, यार ये क्या बात हुई यार, मेरे को इसका सलूशन प्रॉपर तरीके से कि मेरे को तो मैं कह रहा था कल रात को हम लोग गए थे अपने कजन के घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने, बिकॉज कल उसका बर्थडे था, कजन मेरा वो ही जिसने भाई साहब अभी तक हमारे को ना इस रिंग लाइट का स्टैंड नहीं दिया और हमने इसको यहाँ पर जुगाड़ करके ऐसे करके लगाया हुआ है, बट कोई दिक्कत नहीं है, भाई का प्यार है तो हम भाई के प्यार को यहीं से ही ऐसे ही एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी यार आप लोग भी भाई को हैप्पी बर्थडे विश कर देना बिकॉज वो कमेंट सबके पढ़ता है। एंड सेकंड चीज ये है कि कल हमने रवनीत का नया यूट्यूब चैनल बना दिया है, रवनीत यही ये बैठी हुई है यहाँ पे, बट अभी ये तैयार नहीं है तो इसको हम दिखा नहीं रहे हैं, बट इसका चैनल बन चुका है, इसके चैनल का नाम है स्विच टू रवनीत, लिंक उसका मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप लोग इसके चैनल पर जाके इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसको मैं थोड़ी सी टिप्स दे रहा था बिकॉज इसने भी नया नया यूट्यूब चैनल बनाया है, तो मैंने कहा मैं वो टिप्स आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ, टिप्स यही दे रहा था कि जब आप सोशलाइज हो जाते हो ना आपको अपने अंदर भी थोड़े बहुत चेंजेस लेकर आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जैसे कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव बातें करो, कभी किसी की बुराई मत करो, ना ही कभी किसी रिलीजियस के बारे में कोई बात करो, ना ही किसी पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन के बारे में बात करो, एंड ना ही कभी किसी की थर्ड पर्सन सिंपल बंदे की भी कोई बुराई वगैरह करो, बिकॉज ये सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होंगे, तो ये ना हो कि आपकी वीडियो के चक्कर से, आपके मजे के चक्कर से किसी थर्ड पर्सन का नुकसान हो जाए। सो ये टिप्स मैंने इसको दी और आपको भी दे देता हूँ कि अगर आप भी यूट्यूब चैनल या ऐसा कुछ करते हो ना तो अपने माइंड को हमेशा इस चीज को ना बिल्कुल पॉजिटिव वे में ले आओ, सो देट कि आपकी जिंदगी के अंदर से भी ना नेगेटिविटी गायब हो जाए, जब आप ये चीजें सोचना स्टार्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे वाले चेंजेस आ जाएंगे। बाकी हम अपनी आज वाली इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके अपनी अटेंडेंस लगा लेना, अगर और अच्छी लगी तो शेयर कर देना किसी ना किसी अपने दोस्त यार के साथ, बाकी हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया सी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू टू ऑल एंड लव यू, दिल से आप सबका थैंक यू है जी कि आप लोग मुझे एंड रवनीत को सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू।